हाँ हेलो भाई, देखो आज हम लोग कौन सी जंगल में आए हुए हैं? वो उत्तराखंड का जंगल, उत्तराखंड का जीम कॉर्पोरेट ना, नेशनल पार्क में हम आए हुए हैं और लमसम हम लोग हैं। और ये देखिए हमारे श्रीमती जी हैं, मिस पिंकी देवी, जो पूरा जंगल घूम रही हैं और जंगल में शिकार भी करना चाहती हैं, लेकिन फॉरेस्ट वाले मना कर दिया है, ये शिकार नहीं करना है, ठीक है। और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, और ये हमारे राजू भाई हैं जो आसाम से हैं, और ये दादा हैं जो जिनको ये जंगल देखना था। अरे हमारे गाइड हैं जो बेचारे मुंह सब छापे हुए हैं, ठंडा ज्यादा लग रहा है इनको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, चीते पहाड़ तो नहीं मिले हैं, लेकिन सुंदरता के लिए वीडियो बना ले हैं, तो एमोजॉग घूम फिर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। और क्या खूबसूरत जंगल है, तो बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे साफ सुथरा आपको हवा मिलेगा, पानी मिलेंगे और खूबसूरत है। ऐसे ही जीवन आज से हम 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण के काल में हम लोग ऐसा ही शुद्ध जिंदगी जीते थे। आज तपस्या के लिए जंगल जाना पड़ेगा, और इसीलिए हम जंगल में आए हैं, जो कम से कम कौन सी जगह में अपना भूमि धुनी लगाएंगे और पूरा जीवन काटेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं मेरे भाई, आइए और एक बार उत्तराखंड का ये बहुत अच्छा नेशनल पार्क है जिम कॉर्पोरेट, जिसमें घूमिए, मजे लीजिए। अरे क्या है, क्या है, कहाँ है? चीतल है, चीतल स्पॉटेड डियर। कहाँ? इसके पीछे देखिए। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा पीछे लीजिए, ऐसा मत करिए, भाग जावे ना। देखिए देखिए देखिए, बहुत वो देखिए देखिए, और भी है उसके पीछे, और देखिए मुंह पर, देखिए दिखाई दे नहीं दे रहा है, कोशिश तो कर रहे हैं आपको हम, फिर के हम वीडियो बना, पीछे भी है। राजू सर का मोबाइल से आ जाएगा। 50 सालों में चीता इंडिया में नहीं था, कोलंबो से वो मोदी मंगाया था 7 चीता, इसमें देखिए दो मर गए। क्या खूबसूरत पेड़ के पीछे छुप गया, इंडिया सीधा नहीं गया ना, बाघ है। ये दादा हैं, देखिए कैसे टाइगर की तरह खड़े हैं गाड़ी पे, हैं? और ये राजू भाई हैं जो पूरा मुंह कान बंद करके बैठे हुए हैं, इनको बाघ की तरह बैठा है, बहुत ठंड लग रहा है इनको। आए मेरे भाई जान है उत्तराखंड का, जो हमारे साथ एक ही चीता खाली बाकी है, वो भी खड़ा होकर वीडियो बना। और देखिए ठंड बहुत है भैया, कुछ भी बोलो ठंड तो है, और ठंडी में कभी भी अकेले मत आना घूमने जंगल, जब भी आना तो बीवी को लेके आना, समझे? ये कम से कम लोग झोंक करोगे तो गर्मी पैदा हो जाएगी, है कि नहीं? उत्तराखंड का ये जंगल आके बहुत अच्छा लगा, और कब आएंगे को तो पता नहीं, इसलिए ये नहीं नहीं दोबारा आएंगे, बीवी भी अपना अपना बीवी को लेके आएंगे रात को जंगल। चलिए आप कुछ बोलिए। उत्तराखंड में आने से जरूर ये सफारी कीजिए, बहुत मजा आएगा, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ये खड़ा होकर जो मजा है वो कभी नहीं है, ये कहीं नहीं मिलेगा। इलेक्शन में खड़ा हो गए तो मिलेगा। और अभी चीता तो मोदी जी ने तो भगा दिया, गुड, अभी बाघ मिल गया तो अच्छा रहेगा, वैसा उसको हो जाएगा। भाई आप भी कुछ बोल दीजिए। जंगल सफारी अगर आपने करनी है तो जंगल के अंदर आइए, नेचर को फील करिए, काफी खूबसूरत नजारे रहते हैं, सीनरी काफी अच्छी रहती है, फ्रेश एयर रहता है। हाँ, आप पैसा खर्च कीजिए। नहीं नहीं, पैसा बोलिए, बहुत कंजूस लोग है दुनिया में। जैसा भी आप, जरूरी नहीं है कि आप लोग जंगल के पास ही आके जंगल को महसूस करें, अपने आसपास के वातावरण को साफ करने की कोशिश करें, अपने आसपास पेड़ लगाइए, अपने आसपास के वातावरण को हरित बनाइए, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा एक माहौल हम लोग क्रिएट करें, ये हमारा मैसेज रहता है हर किसी। चलिए गुड, बढ़िया बढ़िया।